हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरा किचन में बनेंगे ब्राउनी। ब्राउनी खाना तो सबको बहुत पसंद होती है। जब भी कोई मीठा खाने का मन करे तो उस टाइम ब्राउनी बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज मैं एक सिंपल स्टाइल दिखाऊंगी जिसमें आप लोग कोई भी बना के इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। इसको बनाने के लिए मैंने चॉकलेट लिया, 400 ग्राम्स चॉकलेट लिया। उसमें 200 ग्राम्स दो स्लैब मैंने अलग कर लेती हूँ और दो स्लैब ऐसे उठा के रखती हूँ, जब भी दूसरा कोई रेसिपी बनाएंगे तो यूज़ हो जाएंगे। अभी मैंने 2 स्लैब्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट कर लेती हूँ। अब देखिए देखने में कितना खाने का मन कर रहा है ना, तब ज़रूर खा सकते हैं। मैं भी खा लिया था। ऐसा काटिंग करने का टाइम पे ना ऐसा लगते हैं चॉकलेट्स थोड़ा खाना चाहिए। तो देखिए ऐसा ऐसा करके हम जितना स्मॉल पीसेस आप बना सकते हैं उसी हिसाब से आप बनाइए। और मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। तो मैंने इसको स्मॉल पीसेस में काट करके साइड में रखती हूँ और एक बोल लेती हूँ, मिक्सिंग बोल। उसमें ना मैं फुल फैट मिल्क लिया, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 कप भी नहीं है, उससे थोड़ा कम है। और उसमें मैंने जो चॉकलेट काटिंग करके रखा उसको ऐड करती हूँ। तो इसको ऐड करके ना मेल्ट करना है ना, मेल्ट करने के बाद ही हम लोग को ब्राउनी बना सकते हो। तो ब्राउनी में चॉकलेट ज़रूर चाहिए। और इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया और शुगर ऐड किया। शुगर आप कम और ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि चॉकलेट में ऑलरेडी शुगर है, तो इसलिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम शुगर डाला। और 50 ग्राम्स बटर डाला। बटर भी ज़रूर चाहिए, बटर डालेंगे जितना उतना ही टेस्टी होंगे। अभी इसको माइक्रोवेव में मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया। अभी एक बोल लिया, बोल में थोड़ा सा एक अंडा लेके उसको अच्छा से फेंट रही हूँ। देखिए जितना अच्छा से आप फेंटेंगे उतना ही अच्छा आपका ब्राउनी बनेंगे। तो अच्छा से फेंट लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। साइड में रखने के बाद मैंने एक मिक्सिंग बोल में मैदा ले रही हूँ। आप मैदा लेना है, मैदा से ही ज़्यादा टेस्टी होती है। उसमें थोड़ा सा कोका पाउडर डाल रही हूँ, 3 टेबल स्पून कोका पाउडर डाल रही हूँ। आप कोका पाउडर जितना डालेंगे अच्छा ही होंगे, कम मत कीजिए। और इसमें मैं नटमेग पाउडर थोड़ा डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून चाय का जो चम्मच है ना उसमें 1/2 चम्मच नटमेग पाउडर डाल रही हूँ। तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आते हैं। और इसमें ना बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ, 2 टीस्पून चाय का चम्मच का 2 स्पून भर भर के मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाला। तो आप देखिए इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर ऐड करने से ना ब्राउनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाती है। तो आप चाय तो डाल सकते हैं, आपका पास नहीं है तो आपका मिल्क का जो क्रीम हम उठा के रखते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। तो इसको साइड में रख के अभी मैंने जो माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए रखा था चॉकलेट, उसको लेके मैंने एक विस्कर का मदद से इसको अच्छा से मिक्स करती हूँ। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा है। और थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉफ़ी पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत अच्छा होती है। तो इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। वेनिला एसेंस 1 टीस्पून तो ज़रूर ऐड करना है। इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद हम लोग दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो वेट एंड ड्राई दोनों है ना, दोनों को अच्छा से मिक्स कर लेना के बाद हम लोग इसको छान लेंगे। अब देखिए छन्नी का मदद से इसको छानेंगे तो आपका ब्राउनी और भी अच्छा बनते हैं। तो मैंने इसको इसलिए छान रही हूँ। और मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। और मेरा चैनल में आप नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसको मिक्स करने के बाद जो अंडा फेंट के रखा था ना उसको इसका साथ मिक्स करके फिर दोबारा हम लोग अच्छा से मिक्स करेंगे, जैसे कोई लम्स ना रह जाए। लम्स रहने से तो कोई आपको अच्छा नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए अच्छा से इसको फेंट लेना है। फिर हम लोग दोबारा इसको छान लेंगे। फिर जितना हो सके आप विस्कर का मदद से इसको अच्छा से छान लीजिए। तो मैंने इसको अच्छा से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद आप देखिए कोई लम्स इसमें बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इसको जैसे ही मिक्स हो जाएंगे तो इसको साइड में रख के हम लोग केक टिन को भी रेडी करेंगे। तो देख के लग रहा है ऐसा अच्छा से मिक्स हो गया। साइड में रख के मैंने केक टिन को रेडी करती हूँ। केक टिन में थोड़ा सा ग्रीस करना है, तो ग्रीस करने के लिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद मैंने देखिए जो बैटर रेडी करके रखा था उसको मैंने छान के डाल रही हूँ। अब देखिए
ऐसा छान के डालेंगे तो और भी अच्छा है। तो जो बिगनर है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, बहुत ही आराम से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन इसका जितना लिक्विड होंगे ना तो इसको बेकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। तो इसको बेक करने के लिए मैंने रख दिया 30 मिनट्स के लिए 170 डिग्री टेम्परेचर में। देखती हूँ बेक हो कि नहीं हुआ। अभी बहुत ही अच्छा से नाइसली बेक हो गई। अब देखिए इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, उसका बाद अब कटिंग करके इंजॉय कीजिए। अब देखिए मेरा ब्राउनी तो पहले से खा लिया, अभी देखिए कितना अच्छा ब्राउनी बन गया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।